जय हिंद दोस्तों, हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन। ये जो मेटल है मैग्नीशियम, इसको हम बर्न करेंगे तो ये डीजलिंग लाइट से जलता है। इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चा लोग, ये जो मेटल है मैग्नीशियम, ये डीजलिंग लाइट से जलता है। थोड़ा सा हीट इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। ये देख सकते हो बहुत ही डीजलिंग लाइट से जलता है। कंटिन्यूसली इसको हम देख भी नहीं सकते। यहाँ पे देखो बच्चा लोग, ये जो लास्ट में प्रोडक्ट मिला हमें, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चा लोग, ये जो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया है, तो इसका पूरा केमिकल इक्वेशन राइटिंग कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास था मैग्नीशियम, इसको हमने बर्न किया तो प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट बच्चा लोग, ये रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम है, तो मैग्नीशियम भी हम 2 टाइम लेते हैं, तो पूरा प्रोडक्ट बनेगा 2 टाइम मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप बोलोगे ऐसे क्यों? देखो बच्चा लोग, O2 N2 और H2 मींस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों एटम आपको डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। डाई एटॉमिक फॉर्म में नेचर में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए हमने ऑक्सीजन 2 टाइम लिखा, तो मैग्नीशियम भी 2 टाइम, तो पूरा प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट बच्चा लोग, ये मैग्नीशियम है तो एक मेटल, तो यहाँ पे लिखा मेटल और ये ऑक्सीजन, तो हमें देता है मेटल। जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ये मैग्नीशियम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर कॉपर होता तो कॉपर ऑक्साइड, जिंक होता तो जिंक ऑक्साइड, वैसे ही कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है। अब बच्चा लोग, ये जो मेटल ऑक्साइड, जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, जो मैग्नीशियम को बर्न किया तो डीजलिंग लाइट से जलता है, लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है आस, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक, ये हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिक्स करेंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये टोटली एक्वाइस सॉल्यूशन में मिलेगा बच्चा लोग। एक्वाइस सॉल्यूशन मीन्स जो वाटर में सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं एक्वाइस सॉल्यूशन। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी हम पीएच वैल्यू काउंट करेंगे, पीएच वैल्यू तो 7.1 to 14 तक मिलेगी, और पीएच वैल्यू 7.1 to 14 तक बेसिक की होती है, तो इसका कैरेक्टर बेसिक होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी बेस के एग्जाम्पल हैं, NaOH ले सकते हो या फिर KOH ले सकते हो, तो जितने भी बेस है सब में OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है, जितने भी बेस है सब में OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है। या फिर लिटमस पेपर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होगा, मतलब समझ लो ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो ऐसे हमने देखा मैग्नीशियम बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, साथ में ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर जानना है तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे और वो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेचर है बेसिक। थैंक यू।